है, तो काफी आसान चीजें हैं जो समझ में नहीं आए यहाँ बता दूंगा मैं, दोबारा तुम पूछ सकते हो यहाँ पर जो समझ में ना आए तो। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। ठीक है, यस सर। तो इस चैप्टर में 2 डीपीपी भी अब तक मिल चुके हैं, कुछ और डीपीपी मैं दूंगा, 2 डीपीपी मैं और दूंगा, क्योंकि जो डीपीपी का रिस्पांस है वो ठंडा आ रहा है तुम लोगों की तरफ से, बहुत कम डीपीपी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ जो डीपीपी तुम लोगों ने किया है, अगर देखा जाए नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, तो देखो यहाँ पर देखो केवल 11 स्टूडेंट ने किया है। ठीक है, डीपीपी है यहाँ पर, केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये है 5B, 5A और 5B, केवल 11 11 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है ना। इसके पहले जो डीपीपी हुआ था अगर उसको देखोगे तो टोटल नंबर आप इसमें तो और भी पहले तो और भी खराब था ये, तो मैंने यहाँ पर तुम लोगों का क्लास लेना स्टार्ट किया, तो उसके बाद तुम करना स्टार्ट किए हो, तो ये 11 11 स्टूडेंट ने किया है। अगर मैं देखूंगा यहाँ पर तो काफी लोगों ने नहीं किया है डीपीपी, यहाँ पर लिस्ट आ गया है, तो अगर बात किया जाए अभिलाष कुमार, अनमोल पांडे, और यह है आशुतोष मिश्रा है ना, दिव्यांशु, हेमंत कुमार, हिमांशु, ईशान वशिष्ठ, जासिम, जतिन और राजा। राजा पहले करता था क्लास में, अब यहाँ पर तुम ठंडे पड़ गए हो। लक्ष्य, एम सदन, ये सदन को क्या हो गया, तो ये भी पहले करता था अब नहीं कर रहा है। मनीष, मयंक, मयंक मयंक अग्रवाल, तुमसे उम्मीद नहीं थी बेटा, तुम डीपीपी नहीं कर रहे हो अगर प्रेजेंट हो तो। मयंक भारद्वाज, मयंक तेजन, मुकुल शर्मा, रौनक कुमार, रिया, रिया ने भी नहीं किया, सिमाद्री सॉरी समृद्धि, सौम्या, और इतने लोगों ने नहीं किया, तो ये तो इरेगुलर लोग हैं, जो रेगुलर लोग हैं उसमें सर भी। हाँ बोलो, सर मैंने तो अटेम्प्ट किया है। तो आज अगर किया होगा तो उसको तो अभी अपडेट ना हुआ, कुछ देर में अपडेट हो जाएगा है ना, तो मैंने कुछ देर सर पहले मेरी खोला वो। आईडी में भी इश्यू हुआ था, तो मेरे पहले की भी सारी डीपीपी नॉन अटेम्प्ट दिखा रहा है वो, जबकि अटेम्प्टेड है। ठीक है कोई बात नहीं, तुमने अटेम्प्ट किया मैं मैंने मान कह लेता हूँ। ठीक है, कह दिया मैंने तो। तो बाकी जो लोग बेटा अगर तुम्हारे आईडी में प्रॉब्लम है तो बात कर लो है ना, सर कह दिया नहीं बाकी लोगों के लिए कर दो साथ। ठीक है, बाकी लोग भी बता दो अगर आईडी में प्रॉब्लम है, लेकिन डीपीपी करना है बेटा, अगर डीपीपी करोगे नहीं पढ़ने क्या फायदा, पढ़ने का क्या फायदा। देखो क्लास में तुम लोग जो सीख रहे हो, या मैं बता रहा हूँ मैजिक चल रहा है क्लासरूम में, ठीक है तुम पढ़ रहे हो अच्छा लग रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, बस कान लगा सुनना पड़ रहा है ना, मूवी थिएटर में बैठ गए वहां पर पॉपकॉर्न लेकर खा रहे हो, सब कुछ चल रहा है आराम से, मजा आ गया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हें खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक तो तुम पेन नहीं चलाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो मन लगा बेटा प्रैक्टिस करो, जो डीपी मिला है डीपी सॉल्व करो। ठीक है, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं देता हूँ उसको देखो ध्यान से, अगर उसमें प्रॉब्लम तो पूछो है ना, तो लोगों पास बुक भी होगा, मैंने बुक भी बताया था कौन कौन सा बुक सॉल्व करना है, तो बुक भी तुम्हें सॉल्व करना, अगर तुम्हारा डीपीपी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, सब प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो बुक को भी करना है। ठीक है, तो जो बुक्स वगैरह तुम लोग दिया गया उसको करना है तुम लोगों को, है ना बेटा, तो बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, कुछ तो काम करो है ना, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो डीपीपी मिला तो मिनिमम है, इतना तुम्हें करना ही करना है, अगर तुम्हें जेई मेन में कुछ परफॉर्म करना चाहो, स्कोर लाना है, तो जो डिग्री मिला उतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे एडवांस भी मिलेगा बेटा, तुम्हें कुछ अलग से भी करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर लाना है तो अपने आप से थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा है ना। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ यस पर, आई सर। होप बाकी लोगों ने भी ज्वाइन कर लिए होंगे, तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी है ना, जो प्रॉपर्टी बेटा ये स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करेगा, यह दिया गया है 2 मेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड विच डिपेंड्स अपॉन दियर स्ट्रक्चर। पहला जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, याद रखो बेटा यहाँ जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो केवल सॉलिड का प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड और गैस के लिए नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड प्रॉपर्टी 2 टाइप का है, एक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, काफी यूजेस इसका है ना,
तो यहाँ देखो बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता क्या, उसके बारे में दिया गया थोड़ा सा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड में अराइज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव होल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी आर थ्रू द मोशन ऑफ आयंस, आयनिक कंडक्टिविटी। द कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन टाइप कंडक्शन एंड थ्रू पॉजिटिव होल्स इज कॉल्ड पी टाइप कंडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेते हैं बेटा। अगर तुमने कोई मेटल लिया है या फिर कोई सॉलिड, मैं यहाँ सॉलिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सॉलिड लिया तो सॉलिड में जो कंडक्शन होता है वो दो टाइप से होता है, एक बाय इलेक्ट्रॉन होता है, एक बाय डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो गया, वैकेंट स्पेस या होल हो गया, है ना, इसी को बोलते हैं होल्स। यहाँ लिखा गया होल्स, एच ओ एल ई, ठीक है, होल्स। तो जहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको होल्स बोलोगे। अगर होल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो रहा है, अगर कंडक्शन हो रहा है तो उसको तुम बोलोगे पी टाइप कंडक्शन, पी टाइप। और अगर थ्रू इलेक्ट्रॉन कंडक्शन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंडक्शन होगा तो उसको तुम क्या बोलोगे बेटा, एन टाइप कंडक्शन। ठीक है, तो दो टाइप कंडक्शन तुम यहाँ देखोगे, एन टाइप मतलब बाई इलेक्ट्रॉन, पी टाइप मीन्स बाई डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर होल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नहीं सर, ये पी टाइप नहीं आया। पी टाइप समझ में नहीं आया, ठीक है, तो पी टाइप को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। एन टाइप तो समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो वहां पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो कंडक्शन होगा। जैसे तुमने क्या किया, एक सॉलिड बनाया, सॉलिड में लैटिस पॉइंट पर यहाँ पे इस तरह से आयंस होंगे, इस तरह से, है ना, इस तरह से आयंस अरेंज किया। यस सर। अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर है, मेटल है, तो मेटल साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन क्या होगा बेटा कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं है तो कहीं कहीं पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, डिसलोकेशन होगा, या फिर जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, है ना, या फिर तुम देखोगे यहाँ पर डिफेक्ट्स आ जाएगा। डिफेक्ट्स क्या होगा कि यहाँ पर जो मेटल था या आयंस था वो अलग हो गया, हट गया वहां से, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर तुमने यहाँ पर कोई आयन लिया, मतलब सीएल माइनस था, तो सीएल माइनस निकल गया, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहाँ पर, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है तो तुम क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे होल, यहाँ पर कुछ नहीं है, होल्स है, ठीक है। तो होल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, अगर निगेटिव नहीं तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, एक्चुअली यहाँ पर कोई चार्ज होता नहीं, होल्स मतलब कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसको होल्स बोलोगे। तो अब होल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा, तो अब होल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन कंडक्शन क्या होगा बेटा, तो यहाँ पर देखो वैकेंट स्पेस हो गया ना, ठीक है, अब ये जो वैकेंट स्पेस है ये आगे ट्रेवल करेगा। ट्रेवल कैसे करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इस होल में आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आ गया तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसी तरह से बेटा यहाँ पर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस होल में चला जाएगा, है ना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस होल में चला गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होल क्रिएट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्शन थ्रू होल। तो जो होल था बेटा पहले यहाँ पर था, फिर होल यहाँ पर आ गया, फिर होल यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखो ट्रेवल क्या कर रहा है, यहाँ पर होल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जो होल है, जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, वो ट्रेवल कर रहा है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बाई होल, ठीक है, इसी को पी टाइप कंडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया सर? ट्रेवल ही क्यों कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर था, यहाँ तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग स्मॉल एरिया में नहीं, यहाँ पे होगा ही, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार्ज नहीं, यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पर बहुत स्मॉल एरिया है, यहाँ पे हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब यहाँ कुछ कुछ डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया यहाँ पर, है ना। तो आगे चल जाते हैं, यहाँ पर काफी चीजें हैं, यहाँ पर तुम्हें फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा दोबारा, तो हम लोग देख लेते हैं, बेसिक चीज समझेंगे यहाँ पर, बाकी जो कंडक्शन बैंड है वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना समझ जाएंगे कि होता क्या है, ठीक है। समझ में तो आ गया ना बेटा किस तरह से कंडक्शन हो रहा है? यस सर। यस सर। आ गया थे बेटा इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से जो सॉलिड है तीन टाइप का हो गया, एक हो गया मेटल, दूसरा हो गया इंसुलेटर, और तीसरा है कंडक्टर्स, ठीक है।
तो तीन टाइप का यहाँ पर सॉलिड हो गया, मेटल, इंसुलेटर और तीसरा है सेमी कंडक्टर। तो तीनों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर वन बाई वन। तो मेटल क्या है बेटा, मेटल में अगर हाई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ देखो दे अलाउ द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू फ्लो देम एंड अबव कंडक्टिविटी इन ऑर्डर ऑफ 10^6 to 10^8 पर ओम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, यहाँ देखो कंडक्टिविटी यहाँ पर है, कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी देखो 10^6 है या 10^8 है, 10^6 to 10^8 है ना। तो अगर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा तो क्या बोलोगे तुम, मेटल, मेटल का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सबको समझ आ रहा है बेटा, मेटल बोलो यस बोलो नो बोलो। रेजिस्टेंस बहुत कम है इसलिए कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऑब्वियसली है ना। दूसरा देखो इंसुलेटर, अभी मैं दोबारा भी बताऊंगा इसको, जो कि नीचे एक डायग्राम बनाया उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसुलेटर देखो यहाँ पर दे हैव लो कंडक्टिविटी, इंसुलेटर बोलोगे बेटा अगर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, मेटल होगा। अगर कंडक्टिविटी बहुत कम है, मेटल ना बोलकर तुम यहाँ पर कंडक्टर ही बोलो तो अच्छा होगा, मेटल कंफ्यूज कर रहे हो है ना, यहाँ पर कंडक्टर से बोलो। ठीक है, एक्चुअली बुक में मेटल भी लिखा हुआ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मेटल बोलो चाहे कंडक्टर बोलो। अगर कंडक्टिविटी हाई है तो कंडक्टर बोलोगे, अगर कंडक्टिविटी बहुत कम है, यहाँ देखो कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखो 10^-10^20 है ना, बहुत ही कम है कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी बहुत कम है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, उसको तुम बोलोगे इंसुलेटर। ठीक है, तो एक हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब कि इलेक्ट्रॉन तुरंत ही फ्लो कर जाएगा है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंडक्शन होगा। इंसुलेटर बिल्कुल स्टॉप कर देगा, इलेक्ट्रॉन का कोई कंडक्शन नहीं होगा, होल्स का कोई माइग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में था सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आएगा सेमी कंडक्टर, मतलब यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, द सॉलिड विच इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर द सेमी कंडक्टर अलाउ ए पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो देम। एक्चुअली सेमी कंडक्टर्स आर दो सॉलिड विच आर परफेक्ट इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो बट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट एट रूम टेम्परेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, तो जो सेमी कंडक्टर क्या होगा बेटा, वो एब्सोल्यूट जीरो पर, अगर तुम बोलोगे एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है बेटा, परफेक्ट क्रिस्टल। पढ़ा था मैंने, बताया था ना, याद आ रहा है, जितने भी सॉलिड है वो एब्सोल्यूट जीरो पर परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं, परफेक्ट लैटिस होते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर की बात हो रही है ना, क्या टेम्परेचर की बात हो रही है ना, परफेक्ट जीरो से, हाँ परफेक्ट जीरो, यहाँ परफेक्ट जीरो नहीं बेटा एब्सोल्यूट जीरो बोला हूँ मैं, एब्सोल्यूट जीरो, परफेक्ट क्रिस्टल बोल रहा हूँ मैं, परफेक्ट क्रिस्टल मतलब अगर कोई डिफेक्ट नहीं तो परफेक्ट क्रिस्टल होगा। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट इंसुलेटर बोला है यहाँ पर, तो मतलब 100% इंसुलेटर, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो इस लाइन पर नोट कर लेना, नोट तो किया पहले से तुमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया गया नीचे। ठीक है, तो तीन डायग्राम बनाया गया है ए बी सी जो एनसीईआरटी में दिया गया है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे कि अगर तुमने एमओ थ्योरी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है तुम लोगों ने क्लास 11th में, यस सर, पढ़ा है कि नहीं। हाँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो टाइप के इस तरह से एमओज होते हैं। ठीक है, तो एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे बोलते हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो एंटी बॉन्डिंग, अगर मेटल की बात करोगे, कंडक्टर की बात करोगे है ना, तो वहां पर जो बी एमओ है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर भरा पड़ा। ठीक है, और जो ए बी एमओ है ये वैकेंट होता है, जो एंटी बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो अब कंडक्टर क्या होगा, अगर BMO से इलेक्ट्रॉन ABMO में जंप कर जा रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है। ठीक है, अगर BMO और ABMO के बीच में एनर्जी गैप कम है तो तुम क्या बोलोगे, कंडक्टर, मतलब अगर दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाए तो
वो कंडक्टर हो जाएगा, मतलब जितना पास पास दोनों आएंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा, ठीक है, उतना ही कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जंप करेगा। समझ में आ रहा है बेटा, ये डायग्राम समझ आ रहा है जो मैंने बनाया अभी को यहां पर, बीएमओ एबीएमओ। हेलो, यस सर, आ रहा है। हाँ बोलते रहो, पता चला कनेक्शन लॉस हो गया तुम लोग। हाँ, तो बीएमओ मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो बीएमओ है ना, इसको बोलते हैं, इसको क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर बैंड बोला गया है, पार्शियली फिल्ड बैंड, ठीक है। और सर ये दोनों के वो इन दोनों को मिला के बोलते कंडक्शन बैंड? नहीं नहीं, दोनों मिला के नहीं बोलते, यहाँ पर दो अलग अलग बैंड है। एक देखो ये ऊपर वाला क्या है बेटा, ये एम्प्टी बैंड, ये ऊपर बने बना ये एम्प्टी है ना, ठीक है। अब नीचे वाला क्या है, फील्ड, ये लिखा हुआ यहाँ देखो, ये जो डायग्राम फर्स्ट डायग्राम है देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ क्या है, पार्शली फील्ड बैंड, ओवरलैपिंग बैंड, ये एम्प्टी बैंड है, ये फील्ड बैंड है ना। तो अब देखो कंडक्शन में क्या होता है, अगर कंडक्शन है तो कंडक्शन में क्या होगा कि जो एबीएमओ है, जो एम्प्टी बैंड है और जो फील्ड बैंड है, वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। अगर दोनों ओवरलैप कर गए इस तरह से, देखो ये ओवरलैप हो गया है ना, अगर ओवरलैप हो गया तो क्या बोलोगे बेटा, ये हो गया तुम्हारे मेटल या फिर कंडक्टर। तो कंडक्टर में दोनों बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है एबीएमओ बीएमओ, ये होता है बेटा केवल सिंगल, ये होगा सिंगल एटम के लिए है ना। एक्चुअली मेटल में क्या होगा, मेटल क्या होगा यहाँ पर देखो, इस तरह से ढेर सारे यहाँ पर एटम होगा है ना, ढेर सारे एटम होगा, तो इन सबको कंबाइन कर दोगे है ना, यहाँ जितने भी एटम है इन सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बैंड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बैंड और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बैंड। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग टर्म यूज नहीं कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज नहीं कहता है, यहाँ पर बैंड वर्ड यूज कहता है, ठीक है। अगर ढेर सारे एटम हो गए है ना, इनफाइनाइट एटम हो गए, वहां पर टर्म बैंड यूज करोगे। तो ये क्या बेटा, बैंड, और ये भी क्या है, बैंड है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, तो बैंड कब यूज करोगे, जब ढेर सारे एटम्स हो तो वहां पर बैंड यूज करोगे, और अगर सिंगल एटम है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज करोगे, ठीक है। और कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो एम्प्टी बैंड और फील्ड बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, मतलब यहाँ पर जो दो बैंड दिख रहा है यहाँ पर है ना, ये दोनों ओवरलैप कर गए, ठीक है। और अगर इंसुलेटर की बात करोगे तो ये तुम्हारा हो गया मेटल, देखो लिखा हुआ मेटल, ठीक है। सेकंड में आ जाओ यहाँ पे इस डायग्राम में, तो सेकंड डायग्राम देखोगे कि इन दोनों के बीच में जो फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में एक लार्ज गैप है, देखो यहाँ पर लार्ज गैप है ना। तो yes. अगर इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन कराना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, गर्माना पड़ेगा, इसको एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा है ना। वैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही क्या होगा बेटा, रूम टेम्परेचर पर जो तुम्हारा सब्सटेंस है वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होने वाला, समझ आ गया, इंसुलेटर है ना। यस ओके, थर्ड में आ जाओ यहाँ पर, थर्ड में देखो बेटा, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। जो सेमी कंडक्टर है उसमें एम्प्टी बैंड और फील्ड बैंड के बीच में एक स्मॉल गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर सकते हैं, थोड़ा सा तुम एनर्जी दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस एम्प्टी बैंड में चले जाएंगे है ना। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सेमी कंडक्टर भी रूम टेम्परेचर पे वो होगा इंसुलेटर नहीं, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर करोगे यहाँ पे, अगर तो टेम्परेचर तुमने जीरो कर दिया, टी इक्वल टू जीरो केल्विन हो गया, तो अगर जीरो केल्विन हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी नहीं होगा ट्रांसफर के लिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर है ना, एब्सोल्यूट जीरो पर परफेक्ट इंसुलेटर होगा। तो जो सेमी कंडक्टर है अगर टेम्परेचर जीरो कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पर इसको इतना एनर्जी मिल जाता है इस स्मॉल एनर्जी गैप को ये क्रॉस कर जाए इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा सेमी कंडक्टर
समझ में आया बेटा? सर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? बेटा पूछो, क्या पूछ रहे हो, जल्दी पूछो। सर सर अगर हम मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो सेमी कंडक्टर्स प्योर कंडक्टर्स की तरह बिहेव बिल्कुल करेंगे ना? बिल्कुल हाँ, बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो तुम्हारा सेमी कंडक्टर टूट जाता है। अगर तुम देखो जो तुम्हारे ट्रांजिस्टर वगैरह होता है, जो लैपटॉप वगैरह होता है, हीट होने पर क्या होता है, बिगड़ जाता है, काम नहीं करता है। उसमें क्या होता है बेटा, जो तुम्हारा सेमी कंडक्टर है वो परफेक्ट मेटल या कंडक्टर वहां शॉर्ट सर्किट जाता है ना, तुमने देखा वो जल जाता है, बोलते जल गया ट्रांजिस्टर, वो यही होता है। हीट करने पर क्या होगा, ये दोनों जो गैप है बेटा मिल जाएगा, यहाँ जो एम्प्टी बैंड है और जो फील्ड बैंड है वो मिल जाएगा और कंडक्टर बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा ये? सर आगे जी चलते हैं। सर हाँ तो आगे यहाँ पर है दो टाइप का सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर यहाँ पर हमको मेनली सेमी कंडक्टर पढ़ना है। इंसुलेटर तुमने देख लिया, कंडक्टर देख लिया। अब जो सेमी कंडक्टर है वो दो टाइप का होता है, ठीक है? एक होता है इंट्रिंजिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंजिक, ठीक है? तो यहां देखो जो इंट्रिंजिक सेमी कंडक्टर है वो क्या है ना, सेमी कंडक्टर ड्यू टू थर्मल डिफेक्ट। अगर थर्मल डिफेक्ट है तो उसको क्या बोलोगे, सेमी कंडक्टर। मतलब यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी तुमने नहीं डाला, यहाँ पर प्योर सब्सटेंस है। जैसे तुमने सिलिकन ले लिया, सिलिकन ले लिया, जर्मेनियम ले लिया है ना, तो ये जो मेटल है बेटा क्या होगा, ये परफेक्ट सेमी कंडक्टर है। यहाँ पर और लो कंडक्शन होता है, यहाँ पर जो कंडक्टिविटी लोगों का बहुत कम होता है ना, मतलब ये इस पार्ट में आएगा, इसमें तुमने कोई इम्प्योरिटी नहीं डाला है, ठीक है? तो अब यहाँ देखो क्या लिखा है, इसमें पढ़ लेते हैं। एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन प्योर सब्सटेंस सिलिकन एंड जर्मेनियम एक्ट एज इंसुलेटर बिकॉज इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडक्शन। However, at higher temperature, some of the covalent bond are broken and the electrons are released, become free to move in crystal and thus conduct electric current. This type of conduction is known as intrinsic conduction and as it can be introduced in the crystal without adding an external substance. External substance मतलब impurity. यहाँ तुमने कोई impurity डाला, वैसे ही यहाँ पर automatic ये semi conductor है, ठीक है? मैंने ये लेता ये वाला, ठीक है? ये समझ में आ गया इंट्रिंजिक। तो अब तक तो यस हम सर लोगों ने एग्जांपल देखा वो इंट्रिंजिक का था। अब जो एक्सट्रिंजिक है उसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? एक्सट्रिंजिक मतलब यहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंस डालना पड़ेगा तब ये सेमी कंडक्टर होगा। देखो बेटा क्या होता है कि जो जर्मेनियम और सिलिकन होता है इसका कंडक्शन बहुत ही कम होता है। यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है ना, जो एनर्जी स्मॉल एनर्जी गैप है वो उतना भी स्मॉल नहीं होता है, ठीक है? तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो जाएगा लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उससे तुम कोई डिवाइस नहीं बना पाओगे। उससे तुम यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक वोल्ट है यहाँ पर, जो तुम सोलर पैनल बनाते हो या फिर तुम कंप्यूटर लैपटॉप में जो टूल्स यूज करते हो या जो पार्ट्स यूज करते हो, वो नहीं बन पाएगा है ना, क्योंकि उसका जो कंडक्शन बहुत ही कम होता है। तो इसका जो कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर तुम कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी डालते हो। जब तुम इसमें इम्प्योरिटी डाल दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सट्रिंजिक सेमी कंडक्टर। देखो यहाँ पर क्या था, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ये सिलिकॉन एटम है यहाँ, तो ये क्या बेटा, ये सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर, ठीक है? तो यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी तुमने नहीं डाला तो क्या होगा बेटा, ये होगा तुम्हारा इंट्रिंजिक, ये होगा इंट्रिंजिक, ठीक है? तुमने यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी नहीं डाला तो ये इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होगा। और इन दोनों देखो बेटा, बी और सी को देखो, बी में तुमने डाला आर्सेनिक, ये क्या बेटा, आर्सेनिक, और सी में तुमने डाला बोरान, ये है बोरान, ठीक है? तो दो इम्प्योरिटी तुमने डाला, एक बी में डाला दूसरा सी में डाला, तो ये क्या बन गया बेटा, ये तुम्हारा बन जाएगा एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकन एंड जर्मेनियम इज वेरी लो एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? लिखा जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पर। द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकन एंड जर्मेनियम इज वेरी लो एट रूम टेम्परेचर। द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकन एंड जर्मेनियम, सॉरी बेटा, द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकन एंड जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज्ड बाई डोपिंग विथ इम्प्योरिटी
प्रोड्यूसिंग एन टाइप सेमी कंडक्टर आर पी टाइप सेमी कंडक्टर। जो इम्प्योरिटी तुम डालते हो मेटल में उसको बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोपिंग चलता है वो दो टाइप का डोपिंग होता है, एक होता है ट्राइवेलेंट डोपिंग, ट्राइवेलेंट डोपिंग, ठीक है, एक होता है पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट डोपिंग। तो दो टाइप का तुम्हें यहाँ डोपिंग लगाते हैं। जो आर्सेनिक बेटा, आर्सेनिक का वैलेंसी कितना है, आर्सेनिक का कितना होता है वैलेंसी, थ्री, आर्सेनिक का फाइव होता है बेटा। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है। तुम यहाँ पर तुम बोलोगे जो नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन छोड़ दिया जाए तो फास्फोरस आर्सेनिक, यहाँ पर ये पेंटावेलेंट है, ठीक है। इन सबका वैलेंसी फाइव होगा। और जो बोरान है, बोरान ट्राइवेलेंट होगा, तो बोरान यहाँ पर है ना, ये ट्राइवेलेंट होगा। तो आर्सेनिक पेंटावेलेंट हो गया। तो अगर तुम पेंटावेलेंट, ये मैंने उल्टा लिख दिया ऊपर नीचे, ठीक है। जो आर्सेनिक थ्री नहीं होती, नहीं आर्सेनिक का फाइव होगा यहाँ पर, मालूम है PCl। अगर तुम बात करोगे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का वैलेंसी थ्री होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बात करोगे फास्फोरस का, आर्सेनिक मतलब कि थर्ड है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पीरियड का एलिमेंट, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेगा। तो फास्फोरस का वैलेंसी फाइव हो जाता है, आर्सेनिक का वैलेंसी क्या होगा, फाइव हो जाएगा ना। तो ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल में तुमने पढ़ा होगा, ये से पढ़ा है। तो चलते हैं यहाँ पर। तो आर्सेनिक का वैलेंसी फाइव है, बोरान का वैलेंसी यहाँ पर तुम ठीक है, वैलेंसी छोड़ दे यहाँ पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं वैलेंसी टर्म यूज नहीं कर रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन खोल देखो यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ट्राई वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर होगा उस एलिमेंट का डोपिंग करोगे, पेंटावेलेंट मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि वैलेंस सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया और सब एलिमेंट हो गया, क्योंकि फास्फोरस नॉन मेटल्स का डोपिंग नहीं करोगे, मेटल्स का डोपिंग करोगे, तो आर्सेनिक क्या है, मेटल है, ठीक है। तो आर्सेनिक हो गया, ट्राइवेलेंट में क्या होगा बेटा, बोरान, तो ये बोरान का, ठीक है, या फिर तुमने अल्यूमिनियम का डोपिंग कर दिया। तो यहाँ पर जनरली हम लोग अल्यूमिनियम डोपिंग कराते हैं, बोरान का नहीं कराते हैं। तो यहाँ बोरान एक एग्जांपल दे दिया है, तो अल्यूमिनियम तुम ले लो यहाँ पर, ठीक है। अल्यूमिनियम का वैलेंस सेल कितना इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक के वैलेंस सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले डोपिंग कराओगे तो ये होगा एन टाइप, एन टाइप। अगर ट्राइवेलेंट है ना, ट्राइवेलेंट मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे तुम सब्सटेंस का, ऐसे तुम मेटल का डोपिंग करा रहे हो, तो हो जाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। कितना समझ में आ रहा है। एन टाइप क्या होता है बेटा, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था एन टाइप कंडक्शन और पी टाइप कंडक्शन। एन टाइप का मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्शन होगा। पी टाइप मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव मतलब होल्स के थ्रू, यहाँ पर होल्स के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे कंडक्शन होता, थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तुम फिजिक्स में पढ़ोगे ही, लेकिन हम लोग भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, तो पास इजी हो जाएगा फिजिक्स में भी, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिलिकन का। तो बेटा सिलिकन किस तरह बना होता है, सिलिकन तुमने ले लिया सिलिकन, सिलिकन, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिलिकन ले लिया, तो ये सिलिकन में बना रहा हूँ, यहाँ पर लैटिस बना रहा हूँ सिलिकन का, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो सिलिकन है, सिलिकन का वैलेंसी फोर होता है। जो सिलिकन है यहाँ पर चार बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो देखोगे ये वाला जो सिलिकन है फोर पॉलीनॉन यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर इस तरह बनाएगा, है ना। तो सिलिकन के वैलेंसी की बात करोगे तो सिलिकन का वैलेंसी कितना बेटा, फोर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से मैं इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स इस सिलिकन का, इस रिटर्न सिलिकन का भी इलेक्ट्रॉन जिस तरह तुमने ड्रॉ किया, इसका भी तुमने इलेक्ट्रॉन इस तरह से ड्रॉ किया, इसका भी इलेक्ट्रॉन तुमने इस तरह से ड्रॉ किया, है ना। इस तरह से हर एक सिलिकन का तुम इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिलिकन है ना, इस तरह से
ये वाला इस तरह से ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर, ये इस तरह से ना, ये वाला इस तरह से, समझ आ रहा बेटा? तो इस सर्कल को देखो यहाँ पर, इसका जो चारों वैलेंसी वो कंप्लीट हो गया। इस तरह देखोगे यहाँ पर इस सर्कल का भी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट, जो चारों वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना? यस सर। तो हर एक सिलिकन का जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जा रहा है, फुलफिल हो जा रहा है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक सिलिकन का जो वैलेंसी है यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है ना। प्रॉब्लम क्या होगा जब यहाँ पर हम डोपिंग करेंगे, जब डोपिंग करोगे यहाँ पर, डोपिंग यहाँ पर, डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग यहाँ पर स्मॉल अमाउंट करोगे या ढेर सारा डाल दोगे, लेट दोगे पूरा बोतल? डोपिंग का मतलब था स्मॉल अमाउंट में, ठीक है? तुमने यहाँ पर, हाँ, तो तुमने यहाँ पर एक क्रिस्टल ले लिया, उसमें बहुत ही जरा सा तुमने यहाँ पर ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में डाल दिया, ठीक है? तो वन बाय वन देखेंगे, पहले यहाँ पर ले लेते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो ये तुम्हें दिख रहा है बेटा, परफेक्ट क्रिस्टल है यहाँ पर, आराम से जितने भी सिलिकॉन है सबका वैलेंसी कम्प्लीट हो रहा है ना। तो मैंने बना दिया इस तरह से, जो नहीं दिख रहा बेटा वो समझ जाना तुम लोग, है ना? इस तरह से यहाँ पर इस तरह से क्रिस्टल बन गया होगा, ठीक है? मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, तो जितना है उतना मैंने बना दिया। तो अब क्या करते हैं, इस वाले सिलिकॉन को हटाते हैं, जो बीच में सिलिकॉन है इसको हटाकर यहाँ पर मैं एक इम्प्योरिटी डाल रहा हूँ, और ये इम्प्योरिटी है तुम्हारा आर्सेनिक का, ठीक है? तो मैं यहाँ ले रहा हूँ आर्सेनिक, तो ये आर्सेनिक है, तो मैं यहाँ पर आर्सेनिक को बना दे रहा हूँ, ठीक है? तो आर्सेनिक के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, अगर बात करोगे आर्सेनिक का, आर्सेनिक के पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्या हो गया, आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक मैंने यहाँ लगा दिया, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक इस वाले सेल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, इस वाले साथ इसका ओवरलैपिंग करेगा, एक इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और एक रह जाएगा, है कि नहीं? यस सर। देखो एक इलेक्ट्रॉन छुट्टा रह जाएगा इस तरह से, तो ये इस तरह से फिक्स हो गया, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, ये भी बॉन्ड बना लिया, ये भी बॉन्ड बना लिया, अब ये भी बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है कहीं पर, देखो कहीं पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं? अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन करा देगा, बिल्कुल समझ में आ गया तुम्हें पहले ही, ठीक है? तो अब ये कंडक्शन में यूज हो जाएगा, इसको तुम बोलोगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब देखो जो कंडक्टिविटी बढ़ गया यहाँ पर, तो होता क्या है, अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल होता तो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता, तुम टेम्परेचर देते यहाँ पर हीट करते इसको, तो ये कोल्ड बॉन्ड ब्रेक होता, इलेक्ट्रॉन फ्री होता, तब जाके कंडक्शन होता। लेकिन यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर, चाहे 0 केल्विन हो, चाहे हायर टेम्परेचर हो, हर एक टेम्परेचर पर तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, मतलब जो कंडक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है ना। थोड़ा सा मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो तुमने डोपिंग किया है वो स्मॉल अमाउंट में डोपिंग किया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कंडक्शन है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइप का जो सेमी कंडक्टर को तुम बोलोगे एन टाइप सेमी कंडक्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसी में दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, मैं दोबारा नहीं ड्रॉ करने वाला, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ले लिया सर। ले लिया। तो अब यहाँ पर डोपिंग करते बेटा बोरान का, ठीक है? या अल्मोनियम का, मैं डोपिंग करा दे रहा हूँ, तो मैं इसको इरेज करा रहा हूँ बेटा, ये मैंने इरेज करा दिया, ठीक है? इरेज हो गया। अब सर अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए हम अलग अलग वो एलिमेंट यूज करेंगे डोपिंग के लिए? हाँ, एन टाइप के लिए अलग करोगे, पी टाइप के लिए अलग, जो सेमीकंडक्टर लेंगे जर्मेनियम लेते और क्या लेते, सिलिकॉन जर्मेनियम दो ही तो है, तो उसके उसके उसको अगर डोपिंग करनी होगी तो अलग अलग एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, या फिर आर्सेनिक और बोरॉन? आर्सेनिक बोरॉन और भी ले सकते हैं बेटा, मैंने ट्राइवेलेंट वर्ड क्यों यूज किया, मतलब कोई भी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी तुम यहाँ पर यूज करते, मतलब मेटल का ही लेना है, ऐसा नहीं तुमने गैस का ले लिया, ठीक है? नाइट्रोजन नहीं ले सकते यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है? कोई मेटल का ही तुम इम्प्योरिटी यहाँ पर डालोगे, ओके? तो आ जाता है यहाँ पर अल्मोनियम पर, तो ये रहा अल्मोनियम, तुमने अल्मोनियम इसमें डाल दिया, अल्मोनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, ठीक है? तो 3 है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये तीनों यहाँ पर बॉन्ड मारे इस तरह से, यहाँ पर हो गया, ये बन गया, ये बन गया। अब देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड नहीं बना पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होगा बेटा, ये हो गया तुम्हारा होल,
ये क्या हो गया बेटा, ये तुम्हारा होल क्रिएट हो गया, होल हो गया। यस सर, यहाँ पे रिटर्न है ही नहीं, है ना, ये कंडक्शन कराएगा। तो अब क्या होगा, ये जो होल क्रिएट हुआ, अब ये होल क्या होगा, अब ये होल के थ्रू यहाँ पे कंडक्शन होगा, इसे तुम बोलोगे होल्स। यहाँ पे कोई रिटर्न है ही नहीं, यहाँ पे ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाए, इसको तुम होल बोलोगे, ठीक है। अब होल से थ्रू अगर क्या बेटा, नहीं वाइट इसको नहीं बोलोगे, वाइट अलग चीज हो गया बेटा, है ना, वाइट नहीं बोलोगे यहाँ पर, यहाँ पर टर्म यूज करता होल। सर वॉइड को होल बोलते हैं ना, नहीं नहीं बेटा गड़बड़, फिर मत गड़बड़ मत कर बेटा, वो तुम्हारा क्रिस्टल में है ना, जो वैकेंट स्पेस होता है क्रिस्टल में, तुमने एटम बनाया यहाँ पर एटम, है ना, एटम के बीच में जो स्पेस होता है उसको तुम बोलते हो यहाँ पर होल, सॉरी वाइड बोलते हो। यहाँ पर ये एटम नहीं, एटम तो यहाँ परफेक्ट है, जो क्रिस्टल यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट है, हर एक लैटिस पॉइंट पर, यहाँ पर हर एक लैटिस पॉइंट तुम्हें यहाँ पर एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं है, हर एक एटम है ना यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साइज तो नेग्लिजिबल है ना, यहाँ बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की, हाँ कंफ्यूज मत हो बेटा, यस सर समझ। तो ये होल हो गया, अगर होल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो रहा है तो उसको तुम बोलोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये हो गया पी टाइप। यहाँ पर डायग्राम बनाया गया होगा देखो, यहाँ पर है ना, तो ये क्या पॉजिटिव होल नो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये होगा पॉजिटिव होल्स नो इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। समझ में आ गया बेटा ये चीजें, यार मोर फेवरेबल कौन सा होता है इनमें से, एन टाइप या पी टाइप? नहीं दोनों यूज होता, दोनों अलग अलग यूज होता बेटा, वो डिवाइस पर डिपेंड करे कौन सा डिवाइस बना रहे हो, ठीक है। तो तुम आगे तुम सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, तुम ना इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, तुम यही सब पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें इंजीनियरिंग में। अच्छा दोनों के दोनों में एक ही है पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर? हाँ फिजिक्स में पढ़ना है बेटा, ये केमिस्ट्री पार्ट नहीं है, मैंने बता दिया केवल। ओके सर, जहाँ तक केमिस्ट्री था वहां तक मैंने बता दिया, उसके अलावा भी मैंने बता दिया, ठीक है, तो खत्म हो गया। इस तरह से कई जगह पर इस तरह से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिलेंगे गायब हुए या फिर होल्स में दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब काफी जगह डोपिंग करनी पड़ेगी। नहीं डोपिंग तो तुम अब देखो, तुमने अगर तुमने वन के लिए तुमने यहाँ पर 10 मोल्स ले लिया है ना, तुमने 10 मोल्स लिया, 10 मतलब क्या कितना होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10^23 एटम, इतना हो गया, ठीक है। इसमें तुमने 0.00001 मोल ले लिया डोपिंग, 0.0001 मतलब मोल मतलब कितना हो गया बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, इसको भी कम करो तो कितना हो जाएगा, ये 10^17, 18 हो जाएगा, 10^18 एटम, 10^18, ये बेटा स्मॉल अमाउंट नहीं है, देखो बहुत ज्यादा है ये, इतने ढेर सारे होल्स तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, इतना कम करने के बाद भी डोपिंग। मतलब सर स्ट्रेंथ तो दोनों की सेम होगी ना, मतलब कंडक्टिविटी तो दोनों की सेम होगी ना, एन टाइप और पी टाइप? नहीं बेटा वो तो डिपेंड करे तुमने कितना डोपिंग किया है, ठीक है, तुम्हें मान लो डोपिंग तुमने पी टाइप का ही लिया, पी टाइप में तुमने डोपिंग ज्यादा कर दिया है ना, इसमें बहुत सारी चीजें बेटा यहाँ पर तुम ब्रेक डाउन भी पढ़ोगे आगे, ब्रेक डाउन मतलब कि क्या होता है, ब्रेक डाउन की किस तरह से बिना डोपिंग किए हुए तुम कंडक्शन को बढ़ा सकते हो, है ना, अब लंची ब्रेक डाउन एक होता है, तुम हीट देने पर क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर है वो टूट जाएगा वहां पर, है ना, तो ठीक है बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, बस इतना जानो कि ये डिपेंड करेगा तुमने डोपिंग कितना किया है, तुमने डोपिंग ज्यादा कर दिया तो कंडक्शन ज्यादा हो जाएगा, डोपिंग कम कर दिया तो कंडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों टाइप में अगर इक्वल किया डोपिंग तो कंडक्टिविटी सेम रहेगी, दोनों टाइप निकल के तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो होना चाहिए डिफरेंस, मुझे नहीं मालूम इतना इसके बारे में बेटा, तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना, अब भूल गया काफी टाइम हो गया पड़े हुए मुझे, ठीक है, देख लेना एक बार, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन है तो सेम ही होना चाहिए मुझे लग रहा है। यस सर देख लो, हाँ देख लेना एक बार, ठीक है। यस तो यहाँ तक हो गया बेटा, इसमें किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में से डाउट पूछ सकते हो? नो, डाउट नहीं तो आगे बढ़ू मैं? नो सर आगे, हाँ बहुत टाइम हो गया, आगे देखो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो एटम है बेटा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक एटम का, सिंगल एटम का, ठीक है, तो सिंगल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, ठीक है, साथ में वो स्पिन भी करता है,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दो मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन है ना, और दूसरा क्या हो गया स्पिन मोशन, ठीक है। तो दो टाइप का यहाँ पर मोशन हो गया, रोटेशनल इसको बोलोगे, जो सर्कुलर मोशन है तो तुम बोलोगे रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर एक मैग्नेट तुम रास्ते हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ा होगा बेटा कि अगर कोई चार्ज असिलेटर पार्टिकल है तो वो स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये तुमने मैक्सवेल थ्योरम तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, तुमने बोल्ट्स मॉडल से पहले तुमने पढ़ा होगा मैक्सवेल्स थ्योरी, पढ़ा था बेटा बोल्ट्स मॉडल, तुमने देखा होगा कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर गया था, है ना, ड्रॉबैक था वहां पर, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक था, उसको ओवरकम किया बोर्स ने, है ना। तो वहां एक थ्योरी तुमने पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज असिलेटेड पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन वो चार्ज है और इस सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, मतलब ये असिलेटेड पार्टिकल असिलेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, मतलब ये एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, मतलब जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल मैग्नेट है, तुम बोल सकते हो ये स्मॉल मैग्नेट है। यही लिखा हुआ बेटा, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर स्टडीड इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच अराइजेस ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एज इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल, द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज कॉज द इलेक्ट्रॉन टू एक्ट एज ए टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड due to the orbital motion of electron which along the axis of rotation, the electron also possesses magnetic moment due to spin which is directed along the spin axis, ठीक है। तो मोटा मोटा यही कहना है बेटा कि जो moving electron है वो एक magnet तरह behave करेगा और जो magnetic field है ना, जो magnet होता है बेटा यहाँ पर, या फिर तुम बोलोगे magnetic moment, वो एक vector quantity है, उसका एक direction होगा, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, तो उसका हर एक मैग्नेट का एक डायरेक्शन होगा, और जो मैग्नेट है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट तुमने बनाया इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का भी एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो आगे बताया गया यहाँ पर, तो दस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू ट्रेवलिंग इन क्लोज पाथ ऑर्बिटल मोशन अबाउट द न्यूक्लियस एंड स्पिनिंग इन इट्स एक्सिस। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज प्लस माइनस न्यू बोर, न्यू बोर मैग्नेटॉन, वेयर MB बोर मैग्नेटॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड इज इक्वल टू द, यहाँ पे बेटा MB नहीं है, तो ये बोर मैग्नेटॉन है, BM उसको बोलोगे, BM बोर मैग्नेटॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया गया है 9.27 into 10 power minus 24 EM square, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज इक्वल टू द ML, तुम जानते हो बेटा ML क्या होगा, MB, वेयर ML इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ML क्या बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, MB क्या बेटा, बोर मैग्नेटॉन, यहाँ पर MB टर्म दिया गया, तुम लोग यहाँ पर निकाला होगा, है ना, जैसे मान लो तुमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है किसी एलिमेंट का, और इसमें तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर म्यू वैल्यू क्या होगा, म्यू वेक्टर, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये बोर मैग्नेटॉन को यहाँ पर एम बी लिखा हुआ है, ठीक है, और जो बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू होता है, वन बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 22 जूल पर टेस्ला। सर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन होता है, एन प्लस टू होता है, एन प्लस टू होता है, याद रखो बेटा, फॉर्मूला बोल जा रहे हो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इस तरह से बोर मैग्नेटॉन को यूज करके उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हो। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका एक डायरेक्शन होगा और इसी डायरेक्शन में डिपेंड करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अभी तक फिलहाल तुमने क्या देखा यहाँ पर, बेसिक चीजें यहाँ देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे निकालते हो, इसे तुमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एज मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मे बी रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो
Thus, the material may be considered to contain a number of magnetic dipoles, similar to a bar magnet with north and south poles. Due to the magnetic moment of the electron, different substances behave differently towards the external applied magnetic field. Based on the behavior of the external magnetic field, the substances are divided into different categories as explained below. देखो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ का मतलब देखो अगर तुम बात करो एक सिंगल एटम का तो सिंगल एटम को तुम अगर मान लो वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर क्या हुआ एक रिजल्टेंट डाइपोल वेक्टर मिलेगा है ना तो अब तुमने क्या बनाया एक लैटिस बनाया इस लैटिस में तीन इस तरह से एटम बनाया ठीक है मैंने तीन एटम बना दिया जो फर्स्ट एटम है उसका भी कुछ डाइपोल होगा यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर तो उसको तुम क्या बनाओगे एक एरो से रिप्रेजेंट करोगे जो एरो बेटा क्या दिखाएगा ये डायरेक्शन बताएगा कि इस वेक्टर का इस मैग्नेटिक वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ठीक है दूसरे का भी इस तरह से वेक्टर होगा तीसरे का भी वेक्टर होगा मतलब जो तुम्हारा पूरा पूरा सॉलिड है उसको तुम इस तरह से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो है ना ये पूरा का पूरा सॉलिड है तो पूरे सॉलिड को कैसे दोबारा बताना दोबारा देखो मैं इरेज कर दे रहा हूं बेटा केयरफुली सुनना थोड़ा समय फर्स्ट जा रहा मैं सोचा था तुम लोग पढ़ के आओ थोड़ा बहुत है ना जैसे मैं तेजी से पढ़ रहा था कुछ लोग नहीं पढ़ कर आए तो देख लो बेटा दोबारा सर समझ नहीं आया था पढ़ा तो था इसलिए मैं थोड़ा तेजी से जा रहा था ठीक है देख लो यहाँ पर मान लो तुमने एक लैटिस लिया इस लैटिस में तीन एटम है 1, 2, 3 ठीक है तो जो फर्स्ट एटम है इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा रोटेट करेगा एक टाइनी मैग्नेट बनाएगा ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से तुम्हें एक मैग्नेटिक डाइपोल वेक्टर मिलेगा तो जो एटम वन है उसका भी एक मैग्नेटिक डाइपोल वेक्टर मिलेगा इस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा फर्स्ट एटम का यस सर उसी तरह से जो सेकेंड एटम है उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल वेक्टर मिलेगा इसका उसी तरह जो थर्ड एटम है थर्ड एटम का भी मैग्नेटिक डाइपोल वेक्टर मिलेगा तो जितने भी एटम है सबका कुछ न कुछ मैग्नेटिक डाइपोल वेक्टर मिलेगा ठीक है तो हो सकता है ये वेक्टर है सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो है ना या फिर ये वेक्टर जीरो जीरो वेक्टर बने ही ना ठीक है मतलब जो म्यू वैल्यू है म्यू वैल्यू जीरो होगा तो वेक्टर नहीं बनेगा यहाँ पर जीरो जीरो लिखोगे यहाँ पर कोई वेक्टर ही नहीं है है ना तो अब कौन से केस में म्यू वैल्यू जीरो हो सकती है डायमेंटिक सब्सटेंस क्या होगा बेटा है ना जो बेटा अगर सब्सटेंस का म्यू वैल्यू जीरो हो जाए मतलब कोई भी टाइनी मैग्नेट अगर नहीं बन रहा है एक भी मैग्नेट अगर नहीं बन रहा तो क्या बोलोगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ठीक है तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी क्या है या नीचे लिखा हुआ है एनर्जी सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ठीक है फॉर एग्जांपल टाइटेनियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड बेंजीन एटसेट्रा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन सब सब पेयर्ड है समझ आ गया बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा अगर सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ठीक है यस सर ओके यस सर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सब्सटेंस में तो उसको तुम बोलोगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ठीक है अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका प्रॉपर्टी क्या है सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस These substances have permanent magnetic dipole due to the presence of some species, atom, ions or molecule with the unpaired electron. मतलब अगर unpaired electron है तो उसमें उसको तुम क्या बोलोगे? Paramagnetic substance. तो यहाँ example दिया है titanium oxide, vanadium यहाँ पे देखो titanium यहाँ पर dioxide है, यहाँ पर titanium oxide है, ठीक है? तो यहाँ पर जो titanium का valence होगा बेटा +4 होगा, यहाँ पे titanium है यहाँ पर +2 होगा, ठीक है? ये डिफरेंस है इन दोनों का तो वैनेडियम ऑक्साइड है क्यूप्रस ऑक्साइड है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन हो गया ठीक है CO2 प्लस Fe3 प्लस सब एग्जांपल तो ये बेटा तुम लोगों ने किया होगा बताने की जरूरत है नहीं तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा जो CO2 प्लस है वो पैराबेंडेज है Fe3 प्लस पैराबेंडेज तुम क्या करते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे
अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मिस्टर में एक भी अनपेड रिटर्न आ गया तो तुम बोलोगे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो मतलब जिसमें म्यू की वैल्यू नॉट जीरो। हाँ बिल्कुल, इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो देन सब्सटेंस विल बी पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है? यस सर। ये दोनों तुम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 11th में। अब देखो यहाँ पर तीन न्यू कैटेगरी है, ठीक है? यहाँ पर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इन तीनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या बोला है। ओके, ये देखो ऊपर डायग्राम को भूल जाओ, ये नीचे जो डायग्राम में एनसीईआरटी में दिया गया है उसको देखो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, नीचे का देता है। तो यहाँ पर तुमने एक क्रिस्टल बनाया, क्रिस्टल में ढेर सारे एटम इस तरह से अरेंज होंगे, ए बी सी डी है ना, ढेर सारे एलिमेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है? और हर एक एलिमेंट का जो डाइपोल वेक्टर है, मैग्नेटिक डाइपोल जो म्यू वेक्टर है यहाँ पर, है ना, म्यू वेक्टर अलाइन है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, जो म्यू वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में है, देखो सिमिलर डायरेक्शन ऊपर हर जगह पर है ना। तो अगर म्यू वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट म्यू होगा, म्यू वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो म्यू आर होगा, म्यू आर बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं बेटा, तुम बताओ। वेक्टर तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में। यस सर। सबका डायरेक्शन सेम है तो जो रिजल्टेंट डाइपोल वेक्टर है वो बढ़ जाएगा, तो इसी को तुम बोलोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सर तो ये जो सारे एरोस बना रखे हैं अलग अलग, ये एक एक एटम एक एक मॉलिक्यूल का या फिर नहीं बेटा, ये लैटिस से मॉलिक्यूल बात नहीं करोगे, ये तुम्हारा सॉलिड है, सॉलिड बेटा ये लैटिस होगा इस तरह से। तो मतलब तुमने आयरन का लैटिस ले लिया, तो इस तरह से आयरन होगा, आयरन होगा, आयरन होगा, आयरन होगा, इस तरह से ना ढेर सारे आयरन होंगे यहाँ पर, ठीक है? तो इस आयरन का भी कुछ वेक्टर होगा, इस तरह से यहाँ पर भी कुछ वेक्टर होगा, यहाँ पर कुछ वेक्टर होगा ना। और जो वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर हो या फिर इस तरह से डायरेक्शन हो, है ना, इस तरह से, है ना, या फिर हर एक वेक्टर नीचे डाउनवर्ड हो इस तरह से, ठीक है? हर एक आयरन का जो वेक्टर है एक ही डायरेक्शन में अगर है तो जो रिजल्टेंट म्यू होगा वो एड अप हो जाएगा कि नहीं? यस सर। कैंसर आउट नहीं होगा, तो इसी तुम बोलोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सर अगर एक ऑर्बिटल में एक एक ऑर्बिटल बात नहीं बोलोगे, ऑर्बिटल बात हो चुका, अगर तुम सिंगल एटम बात करो तो ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर ढेर सारे एटम है, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया बेटा, यहाँ लिखा हुआ है सब्सटेंस विच सो पैरा सॉरी परमानेंट मैग्नेटिज इवन एट इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एफी निकिल, आयरन निकिल, सीओ यहाँ पे लिखा हुआ है कोबाल्ट है, सी स्मॉल ओ होगा ये, ठीक है, ये कोबाल्ट है, क्रोमियम ऑक्साइड। सो फेरोमैग्नेटिज सच सब्सटेंसेज रिमेन परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड once they have been magnetized, this type of magnetism arises due to spontaneous alignment of magnetic moment due to unpaired electron in the same direction. ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये चीजें? किसी कोई ऐसा बेटा जो समझ में ना आया हो दोबारा पूछ लो। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? डायरेक्शन पता करने की जरूरत नहीं है, अगर ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, तुमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, ये आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो क्या देखा बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या नहीं है, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितने भी है, जितने भी एलिमेंट है, सबका जो डायरेक्शन है एक ही हो जाएगा, ठीक है? और थ्री डायमेंशनल स्पेस में देखो, तुम अर्थ पे हो, तुम अप हो या डाउन हो, बता सकते हो तुम? नो सर। वही यहाँ पर भी है, जितने भी है सबका जो डायरेक्शन है सेम हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, बहुत आसान समझना है। यहाँ पे देखो डायग्राम को देखो, एक अप है, दूसरा डाउन है, फिर अप डाउन, तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो, है ना? तो अगर इस तरह से अलाइनमेंट है तो क्या उसको क्या बोलोगे? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है? अलग अलग एटम है, यहाँ पर जो एटम ए है, मान लो ये एटम ए है, मान लो ये भी आयरन है,
ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी है, सब के सब आयरन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटम ए बी सी डी जो भी है सब सब आयरन है। जो इंडिविजुअल आयरन है वो क्या होगा बेटा, इसका म्यू आर क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा, नहीं म्यू आर जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन जब सबको अरेंज किया, एक का अप हुआ, एक आयरन का अप हो गया, दूसरा आयरन का डाउन, तीसरे आयरन का अप, चौथे आयरन का डाउन हो गया, है ना। मतलब अगर तुम एक एटम का लोगे तो ये डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। अरे हर एक एटम तुम क्या देखोगे यहाँ पर, हर एक एटम यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। लेकिन जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पर, जीरो, इसको तुम बोलोगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आया बेटा सबको? ओके, तो नीचे आते हैं लास्ट वाले पर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको भी तुम समझ सकते हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। तो अब यहाँ देखो, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, दो का अप हुआ, है ना, अगर दो का अप हुआ, वन टू, है ना, अप अप डाउन, अप अप डाउन, है ना। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है म्यू आर, क्या वो जीरो होगा, नहीं होगा। No, sir. लेकिन अगर तुम बात करोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सब का सब ऊपर है, उससे कम होगा, है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगा, जितना होने चाहिए उतना ना होगा, उससे कम होगा, इसको तुम बोलोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जहां पर कुछ वेक्टर कैंसिल हो जाए, बाकी कुछ रिजल्टेंट बच जाए, अगर कुछ थोड़ा बहुत वेक्टर कैंसिल हो जा रहा है, उसको तुम बोलोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सब्सटेंस व्हिच आर स्प्लिट टू पास पजेस लार्ज मैग्नेटिक magnetism on the basis of unpaired electron but actually have small net magnetic moment are called ferromagnetic substance, for example Fe3O3, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अगर कुछ वेक्टर कैंसिल हो जाएगा तो उसको तुम बोलोगे ferromagnetic substance, ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। सर मतलब सर इनका कोई पैटर्न डिफाइंड होगा क्या, कोई पैटर्न डिफाइंड होगा इनका म्यू वेक्टर? हाँ, हर एक का म्यू वेक्टर डिफाइन होगा यहाँ पर। मतलब इसका म्यू वेक्टर 1 है, इसका भी सबका म्यू वेक्टर 1 ही होगा, 1 1 1 मतलब सबका है। तो दो का अप हो गया, एक का डाउन, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, जीरो हो गया। फिर इन दोनों का रिजल्ट जीरो होगा, तो यहाँ पर 1 एक अप बच गया, यहाँ पर, यहाँ पर एक 1 अप बच गया, तो म्यू आर क्या होगा, म्यू आर इक्वल टू हो जाएगा कि नहीं सर? मतलब पैटर्न फिक्स होगा कि दो ऊपर एक नीचे या कोई भी? नहीं नहीं, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है यहाँ पर, कुछ कैंसिल, यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल, थोड़ा सा बच जाएगा, ये पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बाय चांस यहाँ पर फिक्स हो गया लग रहा है, यहाँ पर तुम्हें लग रहा है दो ऊपर होगा एक नीचे होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ओके सर। तो ये सर एक 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 सब्सटेंस का तो फिक्स्ड होगा ना वो बिहेवियर की, फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, मैं समझा रही, फिर क्वेश्चन पूछो। मतलब सर एक सब्सटेंस जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है Mn2 है जैसे। नहीं बेटा देखो, अब क्या होता है ना, तुमने आयरन ले लिया, तो आयरन में क्या होता है, अगर तुमने जीरो टाइम से तुमने आयरन को मिला के आयरन तुमने मेटल ले लिया, तो क्या आयरन मेटल जो होता है, जो आयरन तुमने लिया कोबाल्ट ले लिया, तो क्या कोबाल्ट मैग्नेट होता है? मैग्नेट तुम कोबाल्ट के पास दूसरा मैग्नेट ले जाओ, क्या उसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। no, तो कोई भी मेटल, कोई मेटल इस तरह से नेचुरली मैग्नेट नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं बेटा, उसमें जो डाइपोल वेक्टर है उसको अलाइन किया जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। अगर तुम एक मेटल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तुमने आपने तुमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, तो मान लो तुमने कोबाल्ट ले लिया, ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, या तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरह होगा, है ना, इस तरह से होगा, या फिर इस तरह से होगा, जो आयरन है या तो इस तरह से ऊपर वाले इस केस में होगा या तो इस केस में होगा, ठीक है। अगर इस सब्सटेंस को तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रख देते हो, ठीक है, तो यहाँ तुमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको रख दिया इस तरह से, तो क्या होगा कि जो आयरन है उसमें हर एक वेक्टर इस तरह से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो तुमने कोबाल्ट रखा है यहाँ पर, जितने भी वेक्टर सब अलाइन हो गए, एक डायरेक्शन में आ गया। अब तुम इस मैग्नेट को हटा लो, जब मैग्नेट को हटा लोगे तो ये इसी तरह से इसी अलाइनमेंट में पड़ा रह जाएगा, है ना। तो इसको तुम बोलोगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब मैग्नेट बनाया जाता है, ये ऑटोमेटिक बनेगा नहीं, है ना, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो वो तो इलेक्ट्रॉन स्पिन पे डिपेंड करेगा ना? बिल्कुल। ओके सर। तो ये कंप्लीट होगा तुम लोगों का सॉलिड स्टेट। अब तुम लोग बेटा टेस्ट दोगे, तो टेस्ट में यहाँ तक पूछा जाएगा। तुम लोगों का मंडे को टेस्ट है ना? यस सर। तो याद रखो बेटा, कंप्लीट सॉलिड स्टेट। तो जो फोर्थ टेस्ट है, तो 15 डेज में जो भी पढ़ाया जाता है
वो सब पूछा जाएगा। तो इस 15 डेज में चार क्लास हुआ है, फोर क्लास या थ्री क्लासेस हुआ है, तो उन क्लासेस में जो जो भी पढ़ाया गया या फिर जो इससे पहले जो फोर्थ आई टेस्ट हुआ था वहां पर जो आया गया पूछा गया था बेटा, उसको छोड़कर उसके आगे का चीजें यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है? मतलब वॉइस एनएसीएल वगैरह ये सब, हाँ ठीक है, ये सब पूछा जाएगा, है ना? तो ये हमेशा के लिए बेटा, तो बार बार तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तो एक फाइनल टेस्ट तुम्हारा कंप्लीट होगा तो सेकंड वाला होगा बेटा, जो फर्स्ट में पूछा जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा, उसके आगे की चीज पूछा जाएगा नेक्स्ट फोर्थ आई टेस्ट। डीपीपी कब तक आ जाएगी? डीपीपी टेस्ट का कल है ना, डीपीपी टेस्ट के बाद आएगा, ठीक है? तुम तैयारी करो, जितना पढ़ाएगा उतना सफिशियंट है, ठीक है सर? और एनसीईआरटी पढ़ो। ओके सर। तो हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर पर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। बेटा तुम लोग डीपीपी नहीं कर रहे हो, है ना? बहुत तुम लोग कंप्लेन आ रहा है कि डीपीपी तुम लोग नहीं कर रहे हो, है ना? ये मैंने यहाँ पर ये ओपन किया था, कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, तो डीपीपी करना है तुम सबको, ठीक है? तो टोटल अगर बात किया जाए तो जो एक्टिव स्टूडेंट यहाँ पर है, तो अगर 30 भी मान लिया जाए तो 30 में से केवल 15 स्टूडेंट ने किया है, 11, 12, 13, 14 ने किया है, बाकी लोग यहाँ पर सोए पड़े हुए हैं। तो वो लोग भी तो जगो बेटा, काम करो, है ना? मेहनत करोगे तभी तो मार्क्स आएंगे तुम लोगों का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग को बहुत सी चीजें पढ़ना है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, टर्मिनोलॉजी क्या हो गया, नेम ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब चीजें हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, अभी टाइम तो है आधा घंटे, हो जाएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा कम से कम। तो देखो बेटा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या होता है, ठीक है? तो एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक टाइप का एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड क्या होता है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, मालिक बेटा ये न्यू चैप्टर है बेटा, याद रखो चैप्टर का नाम यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ लोग बोल जाते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड आर फॉर्मड व्हेन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टू आर मोर स्टेबल कंपाउंड आर ज्वाइंड टुगेदर फॉर एग्जांपल। तो एडिशन कंपाउंड क्या होगा बेटा, एडिशन कंपाउंड कभी कभी इसको बोलते हैं एडिशन सॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है? एडिशन सॉल्ट्स। तो एडिशन सॉल्ट्स क्या होता है, तो यहां देखो एडिशन सॉल्ट क्या होगा कि अगर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को, ठीक है, मॉलिक्यूल को मिक्स कर दो और वो जुड़ जाए, ठीक है, उसको तुम बोलोगे एडिशन कंपाउंड। जैसे तुमने यहाँ पर कार्बोनिलाइट बनाया KCl, तुमने एक सॉल्ट लिया KCl, दूसरा सॉल्ट लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, उसको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाकर छोड़ दिया ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे देखोगे तुम्हें एक क्रिस्टल दिखाई देगा, और जो क्रिस्टल है वो क्या मिलेगा, KCl MgCl का क्रिस्टल दिखाई देगा, ठीक है? ये जो क्रिस्टल है बेटा क्या होगा बेटा, ये क्रिस्टल है एडिशन कंपाउंड। दूसरा तुमने ये बनाया बेटा K2SO4 लिया, है ना, अल्युमिनियम सल्फेट लिया, उसको वाटर में मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ दिया, नेक्स्ट डे देखोगे तुम्हें क्रिस्टल दिखाई देगा पोटासियम का, ठीक है बेटा? पोटासियम K2SO4 Al2SO4.24H2O, दिख रहा है बेटा सबको? यस तो बोलो कम से कम। यस सर। तो अब इसको भी क्या बोलोगे, ये भी एडिशन कंपाउंड है, क्योंकि तुमने यहाँ पर दो एलिमेंट्स को, सॉरी दो मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, ठीक है? यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तुम देखोगे यहाँ पर जो पोटेशियम पोटेशियम क्लोरीन से बॉन्ड बनाया हुआ, यहाँ पर पोटेशियम क्लोरीन से बॉन्ड बनाया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइन क्लोरीन से आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरीन से MgCl2 होगा, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है चेक कर लेना यहाँ पर MgCl2, ठीक है? तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी क्लोरीन से बॉन्ड बनाया हुआ है, और जो ये वाटर है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टल ऑफ वाटर है, ठीक है? उसी तरह यहाँ देखोगे K2SO4 यहाँ पर भी है, Al2SO4 होता है, Cl2SO4 सर। ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट मतलब, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट मतलब कि यहाँ पर 1:1 रेशियो में ये मिक्स हुआ, तो 1:1 रेशियो में यहाँ कंपाउंड बन गया, यहाँ पर भी क्या रेशियो 1:1 है, तो यहाँ पर भी 1:1 बन गया, ठीक है? तो स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड मतलब किस
सर्टेन रेशियो में मिक्स होकर कंपाउंड बनेगा। अगर तुमने वो रेशियो मेंटेन नहीं किया तो उसका यहाँ पर कोई दूसरा कंपाउंड बन जाए, ठीक है। जैसे तुम बोलते हो स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट, तो ये इसी फिक्स अमाउंट में ऐड होकर कंपाउंड बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट और अमोनिया है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो स्टोशियोमेट्रिक का रेशियो क्या होगा बेटा, 1:4, ये 1 है ये 4 है, तो 1:4 रेशियो मिक्स होकर यहाँ पर कॉपर सल्फेट डॉट H2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखोगे FeCl होल ट्वाइस प्लस 4KCl, है ना, तो ये भी क्या हुआ ऐड, यहाँ पर Fe और KCl 1:4 रेशियो में है। जरूरी यहाँ पर जो स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट 1:1 ही हो, यहाँ पर कोई भी रेशियो हो सकता है 1:2, 1:3, 1:5, 1:1, है ना, तो कोई भी रेशियो यहाँ पर हो सकता है। जिसको तुम क्या बोलोगे, तो ये सब चारों क्या है बेटा, एडिशन कंपाउंड, चारों चारों क्या है बेटा, एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड समझ में आ गया बेटा कैसे बनता है, तुमने सॉल्ट को लिया मिक्स किया बन गया एडिशन कंपाउंड, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो एडिशन कंपाउंड है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है दीज फॉल्स इनटू टू कैटेगरी टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, ठीक है। तो दो टाइप एडिशन कंपाउंड है, तो जो पहला है बेटा उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट, और दूसरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो एडिशन कंपाउंड दो टाइप का होगा, है ना, यहाँ देखा एडिशन कंपाउंड, ठीक है। एडिशन कंपाउंड दो टाइप का, एक तो होगा तुम्हारा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और दूसरा क्या होगा बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तुम्हें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसको देख लो। तो यहाँ पर नंबर वन दिया गया है, कैटेगरी जो नंबर वन है, दोज विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन आर नोन एज डबल सॉल्ट। नंबर टू, दोज विच रिमेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। देख लो बेटा, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल वन और टू है, वन और टू है ना, तो वन और टू में क्या बना बेटा, KCl MgCl2 डॉट 6H2O, और टू में क्या बना बेटा यहाँ पोटास एलम। अगर पोटास एलम को वाटर में डाल दोगे, तुमने पोटास एलम लिया वाटर में डाल दिया, है ना, तो वाटर में डालने पर क्या होगा बेटा कि इसमें जितने भी आयंस है वो सेपरेट हो जाएंगे। अगर तुमने पोटास, मैं यहाँ पर तुमने यहाँ पर लिया K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O तुमने ले लिया, ठीक है। तो ये तुमने ले लिया कंपाउंड, अगर तुमने इसको वाटर में डाल दिया, H2O में डाल दिया, तो क्या होगा बेटा, जितने भी आयंस है वो फ्री हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो पोटेशियम आयन होगा, है ना, सल्फेट आयन कितना होगा बेटा, एक इसमें एक सल्फेट आयन यहाँ पर है और तीन यहाँ पर है, 4 सल्फेट आयन होगा SO4 2-, और यहाँ पर 2 एल्युमिनियम आयन होगा Al3+, है ना, और जो वाटर 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 में मिक्स हो जाएगा 24H2O, है ना, वाटर अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, यही आयंस नहीं बनेगा वाटर, तो ये वाटर वाटर में चला जाएगा। तो ये अपना आइडेंटिटी लूज कर दे रहा, मतलब टूट जा रहा है आयंस में। अगर आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, जितने भी आयंस है हर एक आयन इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, उसको तुम बोलोगे डबल सॉल्ट। तो इसका मतलब जो पोटास एलम है वो क्या है, वो एक डबल सॉल्ट है, ठीक है, डबल सॉल्ट, ठीक है। उसी तरह तुमने क्या लिया, KCl लिया, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, अगर इसको तुम वाटर में डालोगे तो ये भी क्या होगा, ये भी टूट जाएगा, ये पोटेशियम आयन देगा, साथ में 3 क्लोराइड आयन देगा, साथ में मैग्नीशियम आयन देगा, और वाटर वाटर में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर में चला गया, वाटर वाटर में चला गया, तो पोटेशियम आयन अपना टेस्ट दे रहा है, क्लोराइड आयन अपना टेस्ट दे रहा है, मैग्नीशियम अपना टेस्ट दे रहा है, मतलब ये सब अलग अलग हो गए, ठीक है। वैसे अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो मिक्स हो जाएंगे, इस तरह से सॉलिड में रहेगा, लेकिन अगर तुमने इसको डिजॉल्व कर दिया सॉल्यूशन स्टेट में, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे इस तरह से, समझ में आ रहा है बेटा। अगर सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, इस तरह से कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, डबल सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसको डिजॉल्व कर दोगे तो डिजॉल्व स्टेट में या एक्वस स्टेट में हर एक आयंस अपना इंडिविजुअल टेस्ट देगा। तो अगर हर एक आयन अपना इंडिविजुअल टेस्ट एक्वस स्टेट में दे रहा है, तो उसको तुम बोलोगे डबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा गया, ये तुम्हारा हो जाएगा डबल सॉल्ट, समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर डबल सॉल्ट का मतलब, यस सर, हाँ यस सर,
अब देखो यहाँ पर जो सेकंड है, सेकंड लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो यहाँ पर जो कंपाउंड थ्री और फोर है ना, दोज विच रिटेन दियर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, जो अपना आइडेंटिटी सोल्यूशन में मेंटेन रखे, फुट फुट ना हो वहां पर, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ जो CuSO4.4ammonia.H2O, अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये कोई भी आयंस नहीं देने वाला, किसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर FeCN2.4KCN लिया, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो इसमें भी कोई टूट फूट नहीं होगा, इसी फॉर्म में रहेगा, है ना, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड बना हुआ टूटेगा नहीं, यहाँ पर इसी फॉर्म में रहेगा। तो अगर जो आयंस है अपना आइडेंटिटी सोल्यूशन में लूज नहीं कर रहा है, दोज विच रिटेन दी आइडेंटिटी इन सोल्यूशन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। यह है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, यहां से आया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया यहां पर, ठीक है। तो अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना, तो इस चैप्टर में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, उसका नेमिंग पढ़ना है, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं उसे पढ़ना है। डबल सॉल्ट नहीं पढ़ना, डबल सॉल्ट नहीं पढ़ना, डबल सॉल्ट इजी है, डबल सॉल्ट तुम्हें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, कि K2SO4.L2SO4 होल प्राइस क्या है, ये पोटास एलिमेंट्स का खत्म, ठीक है, डबल सॉल्ट में बस तुम्हें पोटास एलिमेंट पढ़ना था, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट में दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, ये तुमने क्लास 11th में नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पढ़ा दिया, बस तुम्हें पढ़ना बेटा। हाँ बोलो सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एटम मतलब आयनाइज होगा बॉटम में जाके, कौन सा नहीं? तो देखो बेटा, तुम्हें मान लो तुमने यहाँ पर क्या लिया, ये ले लिया तुमने, ये कंपाउंड ले लिया, है ना, FeCN2.4KCN ले लिया, ठीक है, इसको वाटर में डिजॉल्व करो, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद तुम क्या करो, आयरन का टेस्ट करो, ठीक है, आयरन, अगर ये डबल सॉल्ट होगा तो आयरन अपना टेस्ट देगा कि नहीं देगा, है ना। तुमने क्या किया, आयरन को टेस्ट के लिए यहाँ पर तुमने क्या किया, SCN डाल दिया, थायोसाइनिटाइन डाल दिया, तो अगर आयरन होगा, आयरन 2 प्लस होगा तो सल्फर गैस भी नहीं करेगा, क्या क्या बोल रहा बेटा, सल्फर गैस भी नहीं करेगा, सल्फर कहाँ है, सल्फर नहीं बेटा, ये थायोसाइनेट ही है, ओके सर, SCN2 माइनस है ये, ठीक है, ये पूरा पूरा होल कंपाउंड है, सॉरी होल आयन नहीं है, ठीक है, तो सर मिस कर दिया। अगर ये पीपीटी बना रहा है, इसका मतलब आयरन है, या फिर तुमने आयरन 3 प्लस ले लिया, इसमें तुमने FeCl3 डाल दिया, क्लोराइड आयन तुमने डाल दिया यहाँ पर, Cl3 माइनस डाल दिया, Cl माइनस डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये FeCl3 का ब्लड रेड पीपीटी बना रहा है, रेड पीपीटी बना रहा है यहाँ पर, रेड पीपीटी, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आयंस है, अगर आयंस अपना अपना टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो डबल सॉल्ट है। लेकिन तुम देखोगे, तुमने ये कंपाउंड लिया, FeCN होल ट्वाइस फोर केसिन लिया, और यहाँ पर आयरन अपना टेस्ट नहीं देगा, पोटेशियम अपना टेस्ट नहीं देगा, साइनाइड अपना टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अगर ये सब आयन अपना टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऊपर देखो, यहाँ पर केसिल दिया है, कॉर्नलेट, ये एग्जाम्पल देखो, ये क्या है ना, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि अगर तुमने पोटास एलिम लिया है तो इसमें क्या मिलेगा बेटा, तुम्हें सल्फेट आयन मिलेगा, ठीक है, और सल्फेट आयन का टेस्ट क्या है, SO4 2-, अगर तुमने यहाँ पर बेरियम क्लोराइड डाला तो सल्फेट आयन क्या बनाएगा बेटा, वाइट पीपीटी, है ना, तो ये BaSO4 का वाइट पीपीटी बनाएगा, इसका मतलब कि सल्फेट आयन है सोल्यूशन में। अगर सल्फेट आयन है तो क्या होगा, ये डबल सॉल्ट होगा। से यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुमने लिया KCl, MgCl2, है ना, तो जो Cl माइनस है, तुमने यहाँ पर तुमने कर लिया AgNO3 डाल दिया सोल्यूशन में, AgNO3, तो Cl माइनस AgNO3 क्या बनाएगा, AgCl का वाइट पीपीटी। अगर AgCl का वाइट पीपीटी मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये डबल सॉल्ट, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल आयन का तुम टेस्ट करोगे, ठीक है। तो अगर वो आयंस अपना टेस्ट दे रहा है सोल्यूशन में तो डबल सॉल्ट होगा, अगर आयंस अपना टेस्ट नहीं दे रहा सोल्यूशन में तो डबल सॉल्ट नहीं होगा,
ठीक है? ओके सर। इसका मतलब इसके लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना? तुम देखकर नहीं बता पाओगे कि कौन सा कंपाउंड सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या क्वार्टर्सन कंपाउंड्स है, ठीक है? लेकिन देख कैसे बताओगे, उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स है, यहाँ पर तुम देखोगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो आ गए टर्मिनोलॉजी पर, टर्मिनोलॉजी बेटा इसके ऊपर समझ में आ गया ना यहाँ से यहाँ तक? यस सर। ओके, आ जाते हैं टर्मिनोलॉजी पर। तो टर्मिनोलॉजी देखे बेटा यहाँ पर क्या क्या है। ओके, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दिए गए, ठीक है? तो यहाँ पर है सेंट्रल मेटल आयन्स, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो बेटा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, वो कैसे बना होगा, स्ट्रक्चर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है? जो क्वार्टर्सन कंपाउंड है, हर एक क्वार्टर्सन कंपाउंड में कुछ ना कुछ एक मेटल आयन होगा, है ना? जैसे तुमने ऊपर एग्जांपल जो मैंने लिया था, तुमने लिया था कॉपर, लिया था कॉपर सल्फेट, लिया था CuSO4, इसको तुमने अमोनिया में डिजॉल्व कर दिया था, अमोनिया 4 अमोनिया था, है ना? और ये मिक्स होकर क्या बनाया था, ये मिक्स होकर SO4 कॉपर सल्फेट डॉट 4 अमोनिया बनाया था, ये लिखा था ना तुमने अभी कुछ देर पहले ऊपर एग्जांपल में, ठीक है? वाटर भी एक था, कॉपर सल्फेट डॉट 4 अमोनिया डॉट वाटर, ठीक है? यस सर। तो ये मैं यहां पर वाटर भी दूं प्लस H2O, तो यहां पर भी आ जाएगा डॉट H2, ठीक है? तो एक्चुअली जो कंपाउंड है इसको तुम इस तरह से रिप्रेजेंट, अगर ये क्वार्टर्सन कंपाउंड है तो क्वार्टर्सन कंपाउंड को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसको लिखने का एक तरीका है, ठीक है? वो तरीका क्या है बेटा, हम लोग क्वार्टर्सन कंपाउंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है? तो जितने भी क्वार्टर्सन कंपाउंड है उसमें एक मेटल होगा, जैसे यहाँ पर क्या, कौन सा मेटल बेटा, कॉपर मेटल है ना? और उस मेटल के स्क्वायर ब्रैकेट तो उसमें लगाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। हाँ सुन तो लो बेटा, अभी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा मेटल हो गया, है ना? और मेटल के सराउंडिंग में कुछ न कुछ ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है? और उन ग्रुप को मैंने LL से रिप्रेजेंट कर दिया। तो L क्या बेटा, कुछ ग्रुप्स हैं जो मेटल से डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ है ना? तो ये मेटल हो गया, मेटल से कुछ ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप मेटल्स को डायरेक्ट बॉन्ड बनाकर, जो बॉन्ड बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है? इस तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा बाय ग्रुप टू द मेटल आयन। यहाँ पर जो मेटल है, इस मेटल को मेटल आयन या मेटल एटम बोलो, ठीक है? और ये पार्टिकल्स मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो उनको डोनेट करेंगे। बेटा सुन तो लो पहले, जो मैं पहले मैं पढ़ा वाले ने तो इसको बता दूं, उसके बाद तुम पूछना, जितना भी तुम्हारा क्यूरियोसिटी हो बता दूंगा, ठीक है? पहले सुनो यहां पर। ओके, यहां पर मेटल जो है ना, मेटल होगा या मेटल आयन होगा, या तो न्यूट्रल मेटल होगा, है ना, या फिर मेटल आयन होगा। तो अगर मेटल आयन क्या होगा बेटा, ये जो M है, ओके सर, फिर से देखो, ठीक है? यहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रहा है, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा मतलब कोई नहीं बोलेगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद पूछोगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्टर्सन कंपाउंड, ठीक है? तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, कॉपर सल्फेट प्लस 4 अमोनिया प्लस H2O, तो इन सबको ऐड करके एडिशन कंपाउंड तुमने बना लिया है, कॉपर सल्फेट डॉट 4 अमोनिया डॉट H2O। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो राइट रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्वार्टर्सन कंपाउंड को लिखने का। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट का हेल्प लेते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा वो पार्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बेटा, जो जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होगा, मेटल के सराउंडिंग में कुछ लिगेंड्स होंगे, ठीक है? इस तरह से लिगेंड्स होंगे, ठीक है? तो ये तुम्हारा हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट। लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मेटल और लिगेंड कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो अब जैसे इस कंपाउंड की बात करोगे, अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहाँ पर मेटल हो गया कॉपर,
और ये कॉपर नॉर्मल कॉपर नहीं, ये कॉपर आयन है, कॉपर टू प्लस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टू प्लस को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा, तो टू प्लस मैंने डाल दिया, कॉपर हो गया, और यहाँ पर अमोनिया हो गया मैंने, कितने अमोनिया है, फोर अमोनिया, ठीक है। तो फोर अमोनिया हो गया यहाँ पर, मैंने चार अमोनिया लिख दिया, ये हो गया ग्रुप। तो ये जो अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अमोनिया अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल या मेटल आयन्स को डोनेट करेगा। चलिए ये मेटल आयन है, कॉपर टू प्लस है, ठीक है। तो कॉपर टू प्लस है, तो इसको तुम बोलोगे मेटल आयन्स। अगर मान लो यहाँ पर निकिल होता, निकिल जीरो स्टेट में, तो तुम बोलोगे सेंट्रल एटम। यहाँ पर सी यू टू प्लस है, तो क्या होगा बेटा, ये होगा कॉपर मेटल आयन होगा, ठीक है। तो ये होगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अब इसके ऊपर क्या होगा, टू प्लस लगा दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पॉइसन कंपाउंड का एक पार्ट। अब जो बच गया उसको तुम इसको बाहर लिखोगे। अब यहाँ पर सल्फेट आयन रह गया और वाटर रह गया, तो यहाँ तुम लिखोगे SO4 टू माइनस डॉट एच टू। तो ये जो तुम्हारा SO4 टू माइनस, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाहर का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से होता है पॉइसन कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो अब देखो बेटा, ये जो तुम्हारा मेटल है ना, जो मेटल यहाँ बीच में है, इसको तुम क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे सेंट्रल मेटल एटम। ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। ये जो अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, उसका सेम टाइप का ग्रुप हो, उसका डिफरेंट टाइप का ग्रुप हो, इसको तुम बोलोगे लिगैंड। ये होता है लिगैंड, ठीक है। ये जो बॉन्ड लिगैंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है, वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला गया, ठीक है बेटा। तो अब ये जो पार्ट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, ये वाला पार्ट तुम अगर सोल्यूशन में डालोगे, अगर तुम कंपाउंड को सोल्यूशन डालोगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है वो टूटेगा नहीं, और स्क्वायर ब्रैकेट का बाहर का जो पार्ट है वो अपना टेस्ट देगा, मतलब जो सल्फेट आयन है वाटर है वो टूट जाएगा, मतलब जो SO4 टू माइनस है वो सोल्यूशन में ब्रेक हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर का पार्ट है ये सोल्यूशन में अपना टेस्ट नहीं देगा, ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब अमोनिया कॉपर एक साथ एक एंटिटी बनेगा, और इसी पार्ट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर बेटा ना, यहां से लेकर यहां तक, मैं यहां पर कलर चेंज कर दे रहा हूं, कौन सा कलर, ब्लैक कलर, यहां से लेकर यहां का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है ना, इसको तुम बोलोगे कॉम्प्लेक्स आयन। ये होता है कॉम्प्लेक्स आयन, इसी को कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आयन का कोई सॉल्ट है तो उसको बोलोगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मतलब जो क्वांटम कंपाउंड है एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स आयन से बना होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ये तुम्हारा क्वांटम कंपाउंड का पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स आयन, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट नहीं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का है ना, तो ये क्वांटम कंपाउंड का पार्ट नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। तो जहां तक स्क्वायर ब्रैकेट है वहां तक तुम्हारा कंपाउंड होगा, एक बार दोबारा देखोगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछोगे, दोबारा हम लोग देखेंगे इस डायग्राम से, है ना। तो यहाँ देखो बेटा, जो कंपाउंड बना है बेटा, उसको मैं थोड़ा सा सही से बना दे रहा हूँ, कलर यहाँ पर ब्लैक है, दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक ही है, ये क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम, ये है अमोनिया, सिक्स अमोनिया तुम्हें दिख रहा होगा, सिक्स अमोनिया, ठीक है, और इसके बाहर क्या है बेटा, सीएल थ्री, ये तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है, मैं यहां बना दे रहा हूं यहां पर सीआर, तो कंपाउंड में यहां पर दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूं सीआर एन एच थ्री और सिक्स सीएल थ्री। तो ये तुम्हारा हो गया मेटल, मेटल तुम बोलोगे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। जो ग्रुप जुड़ा होगा मेटल से उसको तुम क्या बोलोगे, लिगैंड, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सिक्स अमोनिया जो होगा वो तुम्हारा हो गया लिगैंड,
ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसको तुम क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको तुम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो, जो डॉट पे सर्कल दिया गया है वो तुम्हारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो पार्ट, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है उसको तुम बोलोगे आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। तो जो तुम्हारा टर्मिनोलॉजी में ध्यान से देखो, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, जो मेटल जुड़ा हो, डायरेक्ट मेटल जुड़ा उसे तुम लिगेंड बोलोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो पार्ट है उसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलोगे, जो लिगेंड है लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है बेटा, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलोगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसको तुम क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स आयन बोलोगे, कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलोगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलोगे। और जो स्क्वायर ब्रैकेट का बाहर का पार्ट है उसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलोगे, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो पार्ट्स बना होगा, तुम बोलोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो पार्ट्स बना होगा, एक होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और दूसरा होगा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। दोनों को मिलाकर बनता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोनों पार्ट होगा, एक पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो अपना आइडेंटिटी सॉल्यूशन लूज नहीं करेगा, उसको तुम बोलोगे कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलोगे। जो अपना आइडेंटिटी वाटर में लूज कर देगा, सॉल्यूशन में लूज कर देगा, उसको तुम बोलोगे आयनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि वो आयनाइज हो जा रहा है, उसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलोगे, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली तुम बोलोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछो। सर आयनाइजेशन स्फीयर तो मतलब एक से ज्यादा वो हो सकते हैं ना मॉलिक्यूल? बिल्कुल, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में सल्फेट आयन भी था, है ना, और वाटर भी था, वो आयनाइजेशन स्फीयर में था। सर लिगेंड कौन बनेगा, ये डिपेंड किस पर करेगा? लिगेंड क्या होगा, अगर देखो यहाँ पे एग्जांपल में है और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड बारे में। तो अब यहाँ पर नोट कर लोगे, जो नोट कर ली चीजें यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, है ना, जो तुम नोट करोगे। तो मैं क्या दे रहा हूं, नोट करो आगे लिगेंड, लिगेंड में बताऊंगा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इसको देख लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दूसरा है आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इट बिहेव्स एज ए सिंगल यूनिट, मतलब ये ब्रेक नहीं होगा, सिंगल यूनिट की तरह रहेगा, होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा बेटा, पार्ट ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर। सेंट्रल मेटल आयन, इट इज एन एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल टू व्हिच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड, जो नंबर ऑफ लिगेंड फिक्स होगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो देखेंगे बाद में, बस कल इसको नोट कर लो। आगे बेटा यहाँ पर लिगेंड्स, ठीक है सर। हाँ बोलो सर, अगर कोई वो जैसे क्रोमियम यहाँ पर सिंगल है, अगर एक से ज्यादा होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होता उसके, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ बताया मैं, अच्छा मतलब वो एरो मार्क है ना उसमें सिक्स पे, दोनों में होगा, मतलब दो एटम है वहाँ पर, ठीक है, क्रोमियम दो हो गया, एक क्रोमियम हो गया दूसरा क्रोमियम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों स्पॉट बनाएगा, यहाँ पर अमोनिया हो गया, यहाँ पर तो सिक्स प्लस टू हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ, मैंने बोला ना लाया कभी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर नाम ही नहीं लिया, तो उसमें डाउट पूछ रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर का। सर हाँ बोलो सर, यहाँ पे क्लोरीन नहीं बना सकते थे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन भी बनाता है, यहाँ जितने भी कंपाउंड्स के पास लोन पे, देखो यहाँ भी कहा कि लिगेंड, है ना, लिगेंड क्या है, इट इज एन आयन और मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम वाया ए डोनर एटम, ठीक है। तो कोई भी एटम या ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो वो लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, जैसे वाटर हो गया, वाटर के पास लोन पेयर है कि नहीं, वाटर के पास मान लो लुइस बेस, तुमने पढ़ा होगा लुइस बेस, जितनी भी लुइस बेस है, लुइस बेस क्या होगा बेटा, लुइस बेस क्या होगा, लुइस बेस
लुईस बेस क्या बेटा, कंपाउंड आर ग्रुप आर आयंस हैविंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टिप्स एंड कंपाउंड का डोनेस। हां तो इलेक्ट्रॉन डोनर तुम क्या बोलो, लुईस बेस जितने भी लुईस बेस है या इलेक्ट्रॉन डोनर है वो लिगेंड तरह बिहेव करेंगे। तो Cl- क्या बेटा, तो Cl- भाई तो इलेक्ट्रॉन है ना Cl- के पास, तो Cl- भी क्या होगा, एक लिगेंड होगा। तो डिपेंड करेगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, बस तो यहाँ पर नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर लिगेंड कर रहा है ना, तो उसका दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो Cl- है वो लिगेंड तरह बिहेव कर रहा हो, ठीक है। तो भी अभी तुमने केवल एक ही एग्जाम्पल देखा, दो एग्जाम्पल देखा, एक कॉपर वाला देखा तुमने, एक क्रोमियम का देखा, आगे देखेंगे। दूसरा हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. आगे हम लोग पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको देखो बेटा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम टू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए लिगेंड अटैच्ड टू द सेम सेंट्रल एटम दैट इज हेक्साडेंटेट। इसको भूल जाओ, ये मैं यहाँ पर कैसे लिख दिया, ठीक है वो आगे आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय मेटल। मेटल जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, उसे तुम क्या बोलोगे, उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो ये तुमने मेटल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, 1 2 3 4 5, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 5। जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल बना रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। भूल जाओ बाकी सब चीजें क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पर जो अमोनिया है ना, क्रोमियम साथ यहाँ पर सिक्स अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। इसके पहले जो तुमने एग्जांपल देखा था अमोनिया वाला है ना, तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मान लो यहाँ पर कोई मेटल हो गया, यहाँ पर क्रोमियम हो गया, यहाँ पर क्रोमियम हो गया, तो एक कॉम्प्लेक्स में तो यहाँ पर दो मेटल आयन हो गया, ठीक है, एक ने 5 बॉन्ड बनाया, दूसरे ने 3 बॉन्ड बनाया, ठीक है, दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा, यहाँ क्या होगा बेटा, 5 होगा। मतलब मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। दोनों का अगर कंबाइन देखना, कंबाइन नहीं देखना जाता है बेटा, अलग अलग मेटल का अलग अलग आएगा। ओके सर, तो ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, उसको आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग अच्छे से बेटा तैयारी करो टेस्ट का, और सरल का एक दो डीपीपी मैं दे दूंगा, 2 डीपीपी दे दूंगा, उसको कर लेना टेस्ट के बाद, भाई टेस्ट को अच्छे से देना, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना टेस्ट में, ये मैं यहाँ डीपीपी में दे दूंगा। ओके ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।